पहले आप लोगों को बोला गया कि गैर शैक्षणिक कार्य से दूर रखा जाएगा, फिर आप लोगों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया। ऊपर से जो आदेश मिलता है निचले पदाधिकारी और निचला का जो आदेश मिलता है वो हम लोग करते हैं। हम शिक्षक जो है ना, ये अभी सरकार के कठपुतली बन चुके हैं। सरकार के कठपुतली जब से माननीय के पाठक जी शिक्षा विभाग के अपर महासचिव बने हैं, हर दिन कोई न कोई नया फरमान शिक्षकों के लिए जारी होता है। वो तो शिक्षा को दुरुस्त कर रहे हैं। और शिक्षा दुरुस्त कितना हो रहा है वो तो के पाठक ही समझ रहे हैं। दोनों तरफ से हम लोग फंसे हुए हैं। फंसे हैं, लगता है कि फंस चुके हैं। हाँ, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना चिट्ठी निकालता है, अब किसका चिट्ठी हम माने किसका चिट्ठी नहीं माने। जी फिर वही आदेश दिए हैं साहब जो फिर करना है, माने जाति गणना में लगाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। ये तमाम मधुबनी के शिक्षक हैं जिन्होंने अपना जातीय गणना जो है वो पूरा कर लिया है। कल ही के पाठक का एक फरमान आता है, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनका फरमान आता है कि अब शिक्षक शैक्षणिक कार्य करने के बाद जो हैं वो डाटा एंट्री के लिए भी अपना समय देंगे। हम यहाँ आए हैं, ये सभी आप देख सकते हैं एकदम मुस्तैदी से ये सभी काम कर रहे हैं। कोई व्यवधान तो नहीं वहाँ हो रही है ना, कि कुछ दिक्कत है? नहीं, काम आसानी से हम लोग कर रहे हैं जी। कितने से कितने बजे तक का समय दिया गया है? यहाँ पर कैंप लगाया गया है, कैंप में आकर के हम लोग काम कर रहे हैं। समय कितने से कितने तक का है? कैंप में हम लोग पहले विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में उपस्थिति बनाते हैं, वहाँ कुछ देर रहते हैं, प्रार्थना वगैरह सब कुछ शामिल होने के बाद यहाँ उपस्थिति। तो काफ़ी परेशानी होती होगी विद्यालय को समय देना, फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना सब? बिल्कुल है, थोड़ा परेशानी है लेकिन काम जैसे चल रहा है जी। चल रहा है काम सर? जी चल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दिक्कत आता है किसी का, मैंने मोबाइल काम नहीं करता है, रुक रुक के काम करता है, काम शुरू हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। पहले आप लोगों को बोला गया कि गैर शैक्षणिक कार्य से दूर रखा जाएगा, फिर आप लोगों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया। ऊपर से जो आदेश मिलता है निचले पदाधिकारी और निचला का जो आदेश मिलता है वो हम लोग करते हैं, है उसी हिसाब से वर्क कर रहे हैं, क्या करेंगे, किसका किसका बात माने। तो गणना के बाद डाटा एंट्री आप लोग कर रहे हैं, के पाठक जी का कहना था कि डाटा एंट्री करना होगा, फिर उनका कहना था कि गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, तो ये दोहरा मापदंड है? जी फिर वही आदेश दिए हैं साहब जो फिर करना है, माने जाति गणना में लगाया जाए, और फिर कल की बात सुने हैं जो विद्यालय में पठन पाठन करने के बाद करें जी। तो हम लोग का वीडियो साहब जिस तरह से दिए हैं आदेश उस तरह से हम लोग कर रहे हैं। लोग फंस चुके हैं ना इस तरह की चीज़ें, भैया स्कूल में भी रहना है, डाटा एंट्री भी करना है, खाना पीना पर भी असर पड़ेगा जी। बहुत दिक्कत तो है सर, अब हम जो है जैसे जैसे फरमान आता है उस तरह से हम लोग काट कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी ऑनलाइन हो रहा है प्रक्रिया, ऑनलाइन प्रक्रिया में काफ़ी कठिनाई हो रही है, एक एक घंटा तक लिंके नहीं रहता है, लिंक नहीं रहता नहीं, पूरे दिक्कत है। दो गो चार गो करते हैं एंट्री, उसके बाद फिर दिक्कत हो जाता है। स्कूल में भी रहेंगे तो ही नौबत है, यहाँ भी रहेंगे तो, लेकिन लगतम है जो काम हो रहा है किसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो फिर स्कूल में समय देना, फिर उसके बाद डाटा एंट्री करना, तो खाते पीते हैं या नहीं? तो टाइम तो थोड़ा ही हो ही जाता है, लेकिन तो काम का 9 बजे से 5 बजे तक का समय है जी। काज का तो आप लोग कार्य करते हैं जी, काज का प्रतिनिधित्व तो देना है। गणना के बाद जो है वो डाटा एंट्री, यहाँ आप तमाम शिक्षकों से हम और भी बातचीत कर लेते हैं। गणना के बाद जो है वो डाटा एंट्री का काम बदस्तूर इन लोगों ने जारी रखा है। इनका कहना है कि किसी तरह की व्यवधान भी आती है तो उसे हम लोग जो हैं वो पार कर लेते हैं। कर रहे हैं डाटा एंट्री? कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो समय अभी जो लंबा दिया गया है उसमें खाना पीना खा के आते हैं? हाँ, घर से खाना खाते हैं। भूख भी लग जाती है? हाँ, लग जाती है। हाँ, और ये तमाम जो शिक्षक हैं वो डाटा एंट्री कर रहे हैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना सर? कि दिक्कत आती है? नहीं, फर्स्ट लॉगिन आती है, फर्स्ट लॉगिन के बाद कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप कह रहे थे कि हम लोगों पे जो है वो शिक्षा विभाग तुरंत शैक्षणिक कार्य करवाती है, फिर गैर शैक्षणिक कार्य करवाती है। तो देख ही रहे हैं, दोनों तरफ से हम लोग फंसे हुए हैं। फंसे हैं, लगता है कि फंस चुके हैं। हाँ, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना चिट्ठी निकालता है, अब किसका चिट्ठी हम माने किसका चिट्ठी नहीं माने। ब्लॉक अभी हमको अपने डिप्टेशन में रखे हुआ है, क्योंकि पाठक साहब कहते हैं कि स्कूल में आप कीजिए, तो हम स्कूल में करें कि यहाँ डाटा एंट्री करें? काफ़ी मुश्किल बात है ना ये? तो हो ही रहा है, स्कूल में भी करना है और फिर जाकर के डाटा एंट्री। आज नोटिस आया हुआ 3 बजे तक हर हाल में कंप्लीट करके देना है। 3 बजे तक? आज 3 बजे तक हर हाल में कंप्लीट करके देना। गणना आपने पूरा कर लिया? गणना पूरा कर लिया, डाटा एंट्री कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ चढ़ाते हैं जी? जितना कॉलम है 18 कॉलम का चढ़ाना पड़ता है हर एक मेम्बर का। एक एक चीज़ चढ़ाना पड़ता है? टोटल एंट्री करना पड़ता है। एक फॉर्म एंट्री उसका मिलता है या फिर भूख लग जाए? वो सब मिलता है। मिलता है।
काफ़ी लंबा समय दिया गया, फिर स्कूल तो छोड़ के आते होंगे, क्या करेंगे स्कूल, बच्चे तो शिक्षक विहीन होते हैं। नहीं नहीं, डिप्रेशन किया हुआ स्कूल में, स्कूल शिक्षक विहीन नहीं हुआ तो, लेकिन समस्या है। हाँ समस्या तो, आप लोगों को लगता है कि ये दोहरा मापदंड हम लोगों के साथ हो रहा है तो हो ही रहा है, हो रहा है। तो तमाम लोगों को आप ही लीड कर रहे हैं ना, आप प्रगणक हैं, आप तो काफ़ी इन सभी लोगों को लीडिंग आपके हाथ में है, तो चीज़ों को और आप बारीकी से समझते होंगे, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं अभी शिक्षक? सबसे बड़ी बात है कि हम शिक्षक जो है ना, ये अभी सरकार के कठपुतली बन चुके हैं, सरकार के कठपुतली। जब से माननीय के पाठक जी शिक्षा विभाग के अपर महासचिव बने हैं, तब से हर दिन कोई न कोई नया फरमान शिक्षकों के लिए जारी होता है। वो तो शिक्षा को दुरुस्त कर रहे हैं, और शिक्षा दुरुस्त कितना हो रहा है वो तो के पाठक ही समझ रहे हैं, जबकि स्थिति ये है कि जब शिक्षक ही उहापोह की स्थिति में रहेंगे तो कैसा शैक्षणिक माहौल बना पाएंगे विद्यालय में, ये वो तो नहीं सोच रहे हैं। शिक्षक भयमुक्त होकर के विद्यालय नहीं, डर लग रहा है हर होता रहता है कि हम CL में हैं फिर भी मेरा CL अस्वीकृत करके हम पर कार्रवाई हो जाती है, हम विद्यालय में उपस्थित हैं लेकिन हमको अनुपस्थित कर दिया जाता है, तो इस तरह का जो भयावह स्थिति बनाया गया यह तो डर का माहौल बनेगा ही। जब माँ शिक्षक डर के माहौल में रहेगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करना ये तो कतई नहीं हो पाएगा। तो डाटा पहले गणना फिर डाटा एंट्री, सबसे बड़ी बात है कि माननीय के पाठक जी के द्वारा आदेश दिया गया कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। हम लोगों ने विद्यालय में जाकर के शैक्षणिक कार्यक्रम को निष्पादन करना शुरू किए, पहले भी करते थे, ऐसी बात नहीं थी कि के पाठक के आने के बाद शिक्षक विद्यालय पहुँचे, शिक्षक पहले से भी विद्यालय जाते हैं, के पाठक के समय में भी विद्यालय जाते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय से जाति गणना का काम शुरू करने का आदेश हुआ तो वही के पाठक महोदय जी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम में जाने के लिए अनुमति भी दे दी, बोले बस ये काम कर लीजिए। अब तो शिक्षक कभी स्थानीय पदाधिकारी का आदेश होता है कि आप यहाँ आकर के काम कीजिए, के पाठक का कुछ अलग आदेश आता है, तो शिक्षक जो आप लोग फंस चुके हैं अधिकारियों के बीच में और के पाठक के बीच, अधिकारियों का अब किस पदाधिकारी का आदेश का पालन हो और किस पदाधिकारी के आदेश का हम अवहेलना करें, ये हमारे समझ से बाहर हो जाती है। तो फिलहाल हम लोग इतना करते हैं कि स्थानीय पदाधिकारी का जो आदेश होता है हम उस स्थानीय पदाधिकारी के आदेश का पालन करते हैं, और जातीय गणना का काम एंट्री का काम अभी चल रहा है, लगता है 1 से 2 रोज में यह काम समाप्त हो जाएगा, फिर सभी शिक्षक अपने अपने स्कूल को चले जाएंगे। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, डाटा एंट्री का काम चल रहा है, ये तमाम शिक्षक जो हैं वो प्रगणक से हम अभी बातचीत किए हैं, क्या जी चल रहा है डाटा एंट्री का काम? चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आती? दिक्कत नहीं आती है, सबमिट कर देते हैं हम, फिर वापस फॉर्म चले आते हैं उड़ के। अच्छा, टेक्निकल इशू है। तो तमाम शिक्षकों का कहना है कि ये टेक्निकल इशू है, पहली बार जब लॉगिन करते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है, लेकिन शिक्षकों का ये भी कहना है, जो प्रगणक हैं उनका भी ये भी कहना है कि हम लोग फंस चुके हैं, हम लोग किसका बात माने, अधिकारी की बात माने या फिर के पाठक की बात माने? तो के पाठक के निर्देश से जो है वो तमाम ये शिक्षक जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, डाटा एंट्री कर रहे हैं, गणना कर चुके हैं, और डाटा एंट्री में क्या व्यवधान आती थी तमाम चीज़ों को लेकर के प्रगणक के साथ यहाँ जितने भी शिक्षक बतौर डाटा एंट्री कर रहे हैं सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़ी खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें, तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।